हक, सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स, सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन CLRA और सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन CEC को 3 फिल्में रिलीज करते हुए बेहद खुशी हो रही है। ये फिल्में ईंट भट्टा श्रमिकों और उनके परिवारों के अधिकारों पर एक शैक्षिक और प्रेरक श्रृंखला का हिस्सा हैं। ये फिल्में इस उद्देश्य से बनाई गई हैं कि ईंट भट्टा श्रमिकों और उनके बच्चों के सम्मान, स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण और खाद्य सुरक्षा जैसे अधिकारों पर जागरूकता पैदा हो तथा सरकारी अधिकारी, भट्टा मालिक, ठेकेदार और मजदूर यूनियन जैसे प्रमुख कार्यपालक एवं हितधारक इनके प्रति अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रेरित हो सकें। पेश हैं कुछ झलकियां। गांव में रहते हैं ना, तो वहां पर जो कमाते हैं वो पूर्ति नहीं होते। हमारे उधार जिसे दिहाड़ी भी कम है और पैसे बचा भी नहीं पाते, इसलिए यहाँ आना पड़ता है। मेरे पापा जो है ना, वो शराब पीते हैं बहुत, तो पैसे की भी कमी हो गई और बहुत ज़्यादा पैसे उधार लिए थे, वो भी चुका नहीं पाए। पढ़ाई मैंने 10वीं में बीच में ही छोड़ दिया और मेरी भाई बहनों भी छोड़ दिया, मेरे से छोटे हैं। जैसे कि हम लोग एकजुट में कोई 2500, कोई 3000, कोई 2000 ईंट बना लेते हैं यहाँ पर, और जहाँ खुदाई चलता है, मिट्टी का खींचना पड़ता है, वहाँ पर मुश्किल से निकाल पाएगा एकजुट तो 1000 या 1100 ईंट। अब यहाँ साहब ये तो टेम्परेरी रहने के लिए है, मालिक अपना नहीं पक्की जोगी बनवाता है। दूसरे भट्टे जाते थे तो बच्चे लोग का कोई साधन नहीं था, इधर उधर बच्चे लोग घूमते रहते थे, और यहाँ आए तो मैडम है। मेरा नाम गीता है, मैं यहाँ बालवाड़ी केंद्र चलाती हूँ, 3 से 6 साल के बच्चे हैं। जो बच्चे जिनको हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन मानते हैं, जो या तो कभी भी स्कूल गए नहीं, नेवर एनरोल्ड जिनकी श्रेणी कहलाती है, या जो स्कूल गए लेकिन सामाजिक या पारिवारिक परिस्थितियों में वो स्कूल किसी कारण से छोड़ चुके हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए तो सीधी सी बात है, पहले उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए। तो ऐसे बच्चों को हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो ये जो बच्चे हैं माइग्रेटरी लेबर के, ये उसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं। यूपी की महिला है, इसको देखो भैया राशन मिलेगा या नहीं। राशन कार्ड बना हुआ था तो जो हमारे इधर का कोटेदार है उसने राशन कार्ड का बंद कर दिया। एक दो भाई राशन लेने गए तो कभी बोलता वहाँ जा बनवाओ, कभी बोलता वहाँ बनवाओ। गर्भवती महिला है, इनको कहीं दूसरे भट्टे पे, कहीं तीसरे भट्टे पे आते जाते रहते, टीके नहीं लगवाती है टाइम पर। ये आते हमारे यहाँ पे, हम ये ममता कार्ड है, ये हम बना भी देते हैं, ममता कार्ड होता है इनका। और यहाँ ममता कार्ड जो बनाए हैं उसमें खाते में पैसे नहीं आते हैं। इन लोगों का जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, वो सारे अदर स्टेट के रहते हैं, तो एक तो इनको ये फ़ायदा नहीं मिलता है। ई श्रम में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो अदर स्टेट के हैं, हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी पंजीयन करा सकते हैं। CLRA संस्था के तहत हम अलग अलग भट्टों पे जाके विभिन्न योजनाओं से जुड़ाव के लिए कैंप का आयोजन करते हैं। हमें चाहिए लोगों का जुड़ाव, ताकि सरकार द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है वो लाभार्थी तक पहुँचे और किसी अन्य हाथों में न जाए। कर्जा हमारे पास बहुत होते हैं, कोई फिक्स नहीं है, वो ठेकेदार के ऊपर रहता है, अगर लाएगा तो यहीं आएंगे, नहीं तो दूसरे भट्टे डाल देता है। एडवांस देते हैं जब भी लेबर आती है, नहीं तो लेबर नहीं आती है। जगजग में प्लांट तब्दील करने में 50 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगता है, पॉल्यूशन इससे कम होता है और हमारी ईंट की क्वालिटी भी वो भी अच्छी निकलती है। और भट्टों के हिसाब से अच्छा बेनिफिट यहाँ मिलता है, जैसे कि वो लोग वहाँ 10,000 रुपये महीने काम करते हैं तो वो हमारे यहाँ 20,000 और 22,000 रुपये महीने पगार पाते हैं महीने की। लाइट दे रहे हैं इनको, पानी हम दे रहे हैं, झुग्गी हम बना के दे रहे हैं इनको, लकड़ी जलाने के लिए हम दे रहे हैं, इनके बच्चों के लिए आंगनवाड़ी वो चल रही है, सारी सुविधा दे रहे हैं। हमारी तरफ से दवाई है, कुछ भी है, रात को हरी बीमारी हो जाती है, गाड़ी मंगवा लेते हैं तो हमारी गाड़ी जाती है, इनको दवाई दिला के वापस ले आती है। नहीं जाते बाथरूम के, नहीं मतलब इनमें 4 लेटरिन बाथरूम है, हर हाल उनमें पानी की सुविधा नहीं है, लाइट भी नहीं है। लाइट वगैरह की एरिया है, पानी की एरिया है, भाई वहाँ दुख तकलीफ नहीं आनी चाहिए, हरी बीमारी के मायने परेशानी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने जो वैक्सीनेशन जो लगवाया था बहुत मुश्किल से लगवाया, जब हमने इतना दबाव हमको इन पे बनाना पड़ा।
पहले कोई समय में इन पे शोषण किया जाता था, तो वो अभी तक बरकरार है। अगर ये आगे होके आए कि भाई हमारे बच्चों को एजुकेशन की जरूरत है, तो हम उनके साथ खड़े हैं। आज अपने एक मजदूर बैठक है, मतलब एक नॉर्मल मजदूर बैठक रखी है, तो अभी आपको क्या, अभी कोई परेशानी रेशानी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही अभी कुल मिलाकर? अब नया आदमी बांध तो 700 देवर, मैं पुराना आ जगह ना, रेट में तो बट फर्क आएगा नहीं, मजदूरी में यार मजदूरी में या तो राख है एक बराबर राख है नहीं तो राख ही मत। बहुत पानी की मट्टी की बहुत किया था शेठ को, तो वो सुने नहीं करता किसकी। शौचालय होना चाहिए बट्टा पर। अपने झुंझुनू जिला के मायने में खुद पिछड़ हो बट इनकी स्थिति है कि मजदूरों ने सिर्फ कूट मार के लाओ, कुछ नहीं है, और नहीं कोई ठेकेदार के हाथ में है नहीं मजदूर के हाथ में। सेठ भी भाई बाणी बोले कि जज है तो मैं ही हूँ, सब जेब में राखू मैं, एसडीएम थानेदार जो भी है जो सब मार जेब में राखू। ईट भट्टू में कहीं चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, यही हालात है। हाँ थोड़े सुधार वहाँ है जहाँ संगठन मजबूती से काम कर रहा है या खड़ा है। तथा कथित सभ्य समाज के लोगों को पूछ ले कि भट्टू में कैसे क्या हालात है, तो उनको तो वो उनको कुछ नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि किस तरह से लोगों को बाहर से लेके आते हैं, कैसी परिस्थिति में वहाँ रहते हैं। कितने सालों से भट्टू में काम कर रहे हो? सन 82 से कर रहा हूँ। 82 से यह भट्टों में काम कर रहा है। इनके बच्चे, इसके परिवार में कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है। देखो आप भट्टे जहाँ पे भी काम करते हो ना, जहाँ भट्टे पे आते हैं, तो अपनी एक मजदूरी के अलावा बहुत सारी और दिक्कतें हैं। सरकार से लड़ना पड़ेगा कि भाई हमारे इतने बच्चे आ रहे हैं, इतने भट्टों पे इतने बच्चे हैं, आप इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करो। ये जो भट्टे हैं ना, ये भी इनके ऊपर भी कानून लगता है। तो आपके संगठन के थ्रू जाओगे तो सब चीज़ ऐसी होगी। अब जैसे उस पर अपन स्नान घर की भी बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, सब चीज़ चाहिए, क्योंकि अपन रहने वाले तो यहीं के ना, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान को, संविधान सबको बराबर अधिकार दिया। सांझ की बिराए है मोर हमारे अंगना, झूलना झूले के बड़ा साधुमा हमारे अंगना, झूलना झूले के बड़ा साधुमा, गिरधन में लगे चिटको सोना हमारे अंगना, झूलना झूले के बड़ा साधुमा हमारे अंगना, झूलना झूले के बड़ा साधुमा।